हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस वैसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, उस प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन किया जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो यहाँ पे यह निश्चित नहीं कि राम 2 घंटे से घूम रहा था या नहीं। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, क्या सीता सुबह से रो रही थी, या एग्जैक्ट मालूम नहीं है। या क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, क्या सीता सुबह से रो रही थी, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, क्या हम लोग सुबह से हंस रहे थे, क्या हम लोग सुबह से रो रहे थे, क्या हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार का सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के लिए स्ट्रक्चर होगा हेड। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए ये जो हेड है पहले लगेगा, आई के पहले लगेगा। तो हेड प्लस आई प्लस मी प्लस वेरब प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर होता है वी, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा हेड प्लस मी प्लस वेरब प्लस वेरब प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, इसके लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड प्लस यू प्लस वी प्लस वी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर पे यू होता है, बस अर्थ हिंदी में बदल जाता है। सिंगुलर के लिए यू मतलब तुम या आप होता है और प्लुरल में तुम लोग या तुम होता है। इसका स्ट्रक्चर सेम उसी प्रकार होगा हेड प्लस यू प्लस वी प्लस वी प्लस सिंस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी ई इसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर होगा हेड प्लस ही सी ई टेनी नेम प्लस मी प्लस वी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर दे के लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड प्लस दे प्लस मी प्लस वी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। क्या मैं सुबह से खेल रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले लगा हेड, उसके बाद आई, उसके बाद बी, हेड आई हेड खेलना का बिफोर प्ले का बिफोर क्या हो जाएगा? प्ले। हेड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम लोग सुबह से खेल रहे थे। इसके लिए आपका जो सेंटेंस होगा है वी बी प्ले का भी हो प्ले हैव वी बीन प्ले सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलो। क्या सीता सुबह से रो रही थी, इसका क्या हो जाएगा? है सीता बे since morning और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बनाते हैं। अब हम आप लोगों को कुछ वर्क देता हूं, उसका आप लोग ट्राई कीजिएगा सेंटेंस बनाने का। जैसे वॉक मींस टहलना वीप मींस रोना लाफ मींस हंसना स्विम मींस तैरना चूज मींस चुनना
तो इन सारे भाग के साथ आप लोग सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।